जा सुलझा टूटा फूटा आवे का आवा आवे का आवा आवे का आवा शब शब आवे का आवा आवे का आवा सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम चाचे। ये जौनसरा और शाहसरा दो मेरे नगीने कबूतर हैं। एक एक मदीन ला के इधर मैंने इस जोड़े को मुकम्मल किया है। 22-22 घंटे बंद रहते हैं आसमान में। बड़ी बात है, बड़ा प्यार करते हैं आप जानवरों से, परिंदों से। उसकी वजह ये है, ये जो जोड़े हैं ना, ये अजल से लेके अबल अदब तक के अबल तक ये जन्म से लेकर अब तक ये जोड़े जो हैं इस तरह बनने हैं, और मेरा मतलब है साथ साथ रहने हैं। मेरी शादी हुई थी ना, आपके जमाने में भी जोड़े होते थे इसी तरह? हाँ जी, लोग बनाते थे जोड़े। तो शादियाँ जब होती थी, जब जोड़े बनते थे, कैसे कैसे बनते थे जोड़े? देखे जी, मेरी शादी जब हुई तो गांव में बड़ा रोला हुआ। अच्छा। यानी वालदैन के खिलाफ था ये सारा? नहीं, मेरे वालिद साहब को वो पसंद थी। अच्छा। मेरी वालदा को पसंद नहीं थी। हाय, ये बकरी का मिनिएचर कहाँ से लिया? मुझे बच्चे बड़े पसंद है। बच्चे? हाँ माशाल्लाह, ये है अल्लाह का माल है। ये बहुत बहुत अल्लाह ने, ये वह चीज है जो कुर्बान होती है अल्लाह की राह में। और इसके इज्जड़ ही देखेंगे आप, इज्जड़ों के इज्जड़। हालांकि बकरी 6 महीने बाद एक बच्चा देती है, 2 देती है, और कुतिया 13-13 देती है। मगर उनके इज्जड़ नहीं देखोगे चाचे। बरकत नहीं है ना? हाँ ना, कुर्बानी में बरकत है। मैंने घोड़ा पाला था। हाँ, छोटा सा घोड़ा मैंने पाला था। मैंने कहा बड़ा होगा तो इसी पे बैठ के बरात पे जाऊंगा। अच्छा, उस पे बैठे आप? नहीं बैठे, घोड़े पे बराते जाती थी। बस नसीब नहीं हुआ आप। हाँ, इस तरह तो मेरा मतलब है घोड़ा भी मेरा मतलब जर्की हो जाता है ना। नहीं, उस तरह वो तो मैं कड़ियल जवान था उस वक्त। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। बच्चे शरारती थे, कहीं पटाखा उन्होंने चलाया। ओह अच्छा, वो घोड़ा भाग गया। फिर तो पैदल बारात सारी गांव से दूर। तो कितने सालों में पहुंचे? उस वक्त तो 3.5 साल मुझे लगे। अच्छा। हाँ नहीं, इस तरह तो लगता है कि काफी लगे हैं। ये आप फिर पहुंच गए? पहुंच गया मैं, माशाल्लाह। नहाया तो होया हुआ था मैं। नहाए भी? सर्दियों का मौसम, सर्दियों में नहाते हैं आप? नहर पे नहाया था। वाह वाह वाह। स्वेटर पहन के? हाँ, कच्छा पहन के। वो जांगिया बड़े ऊपर से मैं छलांगे लगाता था। तो बस फिर मैं नहा के तैयार हो के, जवानी मुझ पे बड़ी थी। आज ये तो बात है। हाँ जी, आप बड़े जवान होंगे इसी तरह। कड़ियल नहीं, आप अड़ियल हैं। जब आप ये एरियल ऊपर करते हैं ना, तो सिग्नल आना बंद हो जाते हैं। थोड़ा जोर। तो आप मरम्मत क्यों नहीं करा लेते इन औजारों की? अब वो मिस्त्री कहाँ? अच्छा। ये क्या कर रही हो? ताई अम्मा, दूध का ग्लास लिया है, कमरे में जाके पीऊंगी। कहते हैं किसी के सामने पीने से नजर लग जाती है। ये दूध ना मैंने नादर के लिए रखा हुआ है, मलाइयों वाला, समझ आई है? जाके देख दरवाजा कौन खड़का रहा है, चल जा। अच्छा, जा रही हूं। शक्ल से ही मनहूस लगती है। क्या पका रही हैं आप? वो ना मेरे नादिर को ना चिकन कारन सूप बड़ा पसंद है, तो कह रहा था कि अम्मी आप बना दें, तो उसके लिए सूप बना रही हूँ। ये अंडे कब से रखे हुए हैं? नरम ही नहीं हो रहे, इतने सख्त हैं। अच्छा, मैं देखती हूँ, एक मिनट दिखाएं मुझे।
ओहो खाला इस पे छिलका लगा, ये तो रिमूव करना था ना। अच्छा अच्छा वो मैं कर लेती हूँ। मैं कर दूँ? ना गरम है पुत्र, गरम है, मैं कर लेती हूँ, ठंडा होने दे। ठीक है, और मेरी बात सुनी इधर आ। ये दूध का गिलास है, मलाई वाला दूध है, कमरे में जाके ना चुप करके पी ले, जब से आई है कितनी कमजोर हो गई है। कमजोर? नहीं 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 खाला, मैं तो गेन की है, रहने दे रहने दे आप। नहीं नहीं कमरे में जा अभी पी, चल 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 मेरा बच्चा। थैंक यू। मेरे अंडे हैं, ये दूध का गिलास कहाँ चला गया? मैंने पी लिया, बड़ा ही मजे का था, मलाई मला मजा आ गया। आगे जाते एक कबूतर, एक क्यूटी पाई, ओह माय गॉड, है दादाजी आप जी? वो मैं कबूतर के साथ सेल्फी बना रही थी। मैंने सुना है कि तुम रूई हो। नॉट रूई, कॉटन नहीं, रूही। वही मैं सोच रहा था, भाई तुम तो खवातीन हो, रूई तो रजाइयों में होती है, आप इधर खड़ी हो। नेवर माइंड, कुछ कहना है आपने? किसकी बेटी हो? मेरे पापा का नाम है नफीसुद्दीन। नफीसू पुत्र, नफीसू मुझे याद है, गांव में बड़ी मेहनत करता था तुम्हारी अम्मा जान भी और तुम्हारे अब्बा जान भी, ओपले बनाते थे ना, ओपले। एक्सक्यूज मी, ओपला? ओपला जो गांव और भैंसों का ओवरफ्लो नहीं होता। What? अब वो तुम्हारी अम्मा उसको ऐसे गोल, कितना खूबसूरत गोल मटोल बनाती थी, और तुम्हारे अब्बा नफीसू जी जी वो उसको दोनों हाथों में उठा के चार कदम पीछे जाते, फिर वहां से दीवार के ऊपर ऐसा मारते, निशाना बड़ा पक्का था, इधर उधर भी नहीं लगाते थे, लहनों में लगा के फिर उनको सुखा के पूरे गांव में बेचते थे जी जी। बड़े पैसे कमाते थे वो। पैसे वो अभी भी कमाते हैं बहुत ज्यादा। अभी किधर होते हैं, गांव में तो नजर ही नहीं आते। वो कनाडा होते हैं। अच्छा, दूर किसी गांव में होते हैं। अगर उधर भी ये कारोबार करें तो मैं गोए की ट्रालियां उनको दूं यहां से, उधर वो ओपले बना बना के बेचें तो अरबपति हो जाएं। गोया? गोया? What is गोया? गोया उसने क्या कहा? गोया मतलब भैंसों का ओवरफ्लो। अगेन ओवरफ्लो? यस। माय गॉड क्या हो गया है? अच्छा नहीं नहीं थैंक यू, नहीं नहीं हमें जरूरत नहीं है। यू नो मेरे बाबा का बहुत बड़ा बिजनेस है, हमारा बहुत बड़ा बंगला है, हमारे घर के हर फर्द के पास अपनी अपनी गाड़ी है, एंड माय मदर शी इज अ सोशल वर्कर। कब जाना है आपने कनाडा गांव में? आपको दो ट्रालियां गोए की लाद के दूं, उधर ले जाओ। व्हाट फॉर? किस लिए? नादर को भी ले जाओ। नादर भाई क्या करेंगे वहां पे? बड़ा पक्का ड्राइवर है, खोती रेड़ी सबसे तेज जोता है गांव में। दादाजी वहाँ पे खोता रेडी नहीं चलती, कनाडा में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है उसका। अच्छा, ये कहीं दूर गांव है? बहुत दूर है, बहुत दूर है। मैंने फोन चार्जिंग पे लगाना है। ये कबूतर पकड़े आप, पकड़े आप। ओके, ओह माय गॉड, किन पागलों में चली गई मैं। उफ, बूढ़ा हो गया है, कांप रहा है। बास पुत्र, बास पुत्र, बास पुत्र, बास। मुझसे भी तेज तरीका है वे, दूर निकल गया।
बाजार लगा है, देखो कितना उधम मचा है, सारा गड़बड़ हुआ पड़ा है, दिल का कमरा उजड़ गया है, सोया है कोई जागा है, हर कोई भागा भागा है, अब तो तुम बच कर निकलो बाबा, क्योंकि बिगड़ गया है आवे का आवा, आवे का आवा, आवे का आवा। दादा जी ध्यान से, ये सड़कें ऊंची नीची बनी हुई है, आपका पांव स्लिप हो गया तो हड्डी भी नहीं जुड़नी। पुत्र कैसी हैंड ब्रेक लगाई है? वो तो ठीक है, हजारों मील मैं चला हूँ इन ऊंची नीची सड़कों पे, आए हाय हाय आज तक कोई मसला नहीं हुआ। वो आप इस सोटी के सहारे चले? सोटी का सहारा जी? पकड़ो सोटी। पुत्र मैं सोटी के सहारे पे नहीं हूँ, अल्लाह के सहारे पे हूँ। बेशक, बस मुझे जरा हाथ रखना है। वाह 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 वाह, ये मेरे दोस्त कमाले की दुकान है, इस पे चिप्स और टॉफी और जूस होते हैं। दिल कर रहा है खाने को? हाँ हाँ, जो दिल करे लो। अच्छा, दादा तुम्हारा? हाँ हाँ पता है जी, मशहूर तरीन आदमी। कौन है? दादा। वही मैं सोच रहा था, मशहूर तो मैं हूँ। हाँ 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 हाँ, ये अल्लाह रहम करे, तुम्हारे दोस्त को कोई शरला मार गया है। वो ये हर वक्त सोता ही रहता है, मोटरसाइकिल भी चलाए तो सो जाता है। कमाले, ओए कमाले, सलाम अलैकुम। जी वालेकुम सलाम जी। कमाले मेरे दादाजी आए हैं, वो चिप्स वगैरह और वो जूस वगैरह सब दे दो। जी दादाजी, जो हुकुम। जो ये कहे इसको दे दो। हाँ जी, टॉफियां भी दे दो, जूस भी दे दो, फटाफट यार कार शॉपर में डाल दो सब कुछ जो तेरे पास है ना, सब कुछ। तुझे पता पापड़ में शौक से खाता हूँ, वो सारे ही डाल दे। दादाजी ये मोहल्ले में ये दुकान हमारी वजह से चल रही है। नहीं, सामान तो बहुत पड़ा है। जी 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 जी, आ जाओ आ जाओ, बस ठीक है, बहुत इतना सारा। जी कितने पैसे बने? आपकी अपनी दुकान है जी। देखो ये होती है बात, कहते आपकी अपनी दुकान। नहीं नहीं, वो वैसे ही कह रहा है, आप पैसे दे। किसने सामान लिया है? वो तो मैंने लिया है। खाना किसने है? मैंने। तो पुत्र पैसे भी दो ना। तो बड़ा कौन है? बड़ा तो देखो यही है। ओ नहीं नहीं, हम में से उम्र में बड़ा कौन है? वो तो मैं ही। तो फिर आपका फर्ज बनता है ना दादाजी पैसे देना। पुत्र खजाना तो सारा घर पे मैंने रखा हुआ है। खजाने की बात ना करो, खजाना मैं लेके आया हूँ। जिस दौर का खजाना मेरे पास है ना, उस वक्त तो 200 रुपए उसकी कीमत होती थी। अब कितनी महंगाई हो गई है, 2 लाख रुपए का वो समझो सोना तोला हो गया है। जी जी जी, ना इसे बताएं। तो मैं किस लिए बताना है? तो पैसे अभी दादा जान आपको दे देते हैं। सब कुछ आपका जी दादा जी। देखा ये बात होती है। दादा जी क्या कर रहे? दादा दुकान गिर जाएगी उसकी। उसने कहा है सब कुछ आपका है। लेकिन दादा, दादा जी मेरी बात तो सुने। दादा मेरी बात सुनो, खजाना इतना निकल आया यार, क्या कर। वैसे इतनी बुरी लड़की नहीं हो तुम, मुझे लगा था थोड़ी नखरे वाली हो, बट तुमने मुझे काफी गाइड किया यहाँ के लोगों के बारे में। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा एक बात तो बताओ, क्या तुम वापस कब जा रही हो? आई थिंक आई विल स्टे हियर मोर, मुझे अच्छी लगी ये जगह, मैं यहाँ रुकूंगी। मेरे ख्याल से तुम पाकिस्तान में शादी करके ही जाओगी। नहीं नहीं क्या हो गया, यू नो व्हाट, मेरी मामा कहती है कि मेरी शादी ना कनाडा में होनी चाहिए, और मेरे पापा कहते हैं कि पाकिस्तान में होनी चाहिए, पता नहीं क्यों। मुझे लगता है तुम्हारे बाबा जो है ना, तुम्हारी शादी ना नादिर से करवाना चाहते हैं। व्हाट? नादिर भाई? मेरे दिल में ना उनके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। वेट अ मिनट, तुम क्यों नहीं नादिर भाई से शादी कर लेती? सारा दिन तुम बकरी की तरह उनके इर्द गिर्द चक्कर लगाती रहती हो। हाय अल्लाह, मैं और नादिर भाई से शादी? हाँ। मैं उनको अपना भाई समझती हूँ। वाकई? हाँ। वैसे वाकई उनकी जो शक्ल है ना, भाइयों वाली है। हाँ, सही कह रही है। ऐसी बात ही है। अम्मी, अम्मी। क्या हुआ मेरे बेटे को? क्या मेरे मुकद्दरों में शादी नहीं है क्या? क्या इसमें सिर्फ हर लकीर में भाई लिखा हुआ है? क्यों दिल छोटा करता है बेटा, हो जाएगी शादी। कब होगी, कब होगी शादी?
अभी तेरी उम्र ही क्या है? वाह 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 वाह, उम्र ही क्या है? नो कम 50 साल हो गई है अभी, और अभी उम्र ही क्या है? अभी आगे भी 9 साल ना, 9 कम 50 ही रहेगी। मुझे लगता है मेरे मुकद्दरों में शादी नहीं है, हर लड़की को मैंने बहन बना के उसकी शादी करनी है। हाय मेरा बच्चा, तू क्यों परेशान होता है? मेरा बच्चा, तेरी माँ भी जिंदा है, तेरी बीवी मैं खुद ढूंढ के लाऊंगी, बड़ी प्यारी गोरी चिट्टी मेरी तरह सोनी। सब्जी आपसे सही तरीके से ढूंढी नहीं जाती दुकान पे जाके, तो मेरी बीवी कहाँ से ढूंढेगी? आप माँ को बातें करेगा ऐसी? परचू में नहीं, 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 मेरा बच्चा, मेरा पुत्र, ना ना ना। मौका अच्छा है, फायदा उठा ले नादरा। कुछ बड़ा यूं करके सो रहा था बाबू। नाजोरो की जोरो, तुसानी फौदगी नी दुआ पिया करना। मेरी बात सुने, इसकी शादी करवा दे, अपनी बीवी उसकी आएगी, अपने नसीबों का रिस्क लेके आएगी, फिर काम की तवज्जो भी करेगा। भाई शादी करना और टेलीफोन करना दो मुख्तलिफ चीजें। अबू अम्मी क्या हुआ? अम्मी अबू, वो जो चाचा, वो जो खजाना, मैम उठा लाया ये। रख इसको, क्या इधर खजाना? ओ या अल्लाह, वही जो लाया है अपना भाई, सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। अच्छा। ये मैं खजाना ही उठा लाया। वाह वाह, देख जरा इसमें है क्या। तो सही बेटा, ये तो सारी जिंदगी की उसकी कमाई है, ये ताजा खबर आई है। हाँ जी जी जी, ये जो चीज तू उठा के ले आया उसको पता है? अबू नहीं, वो वहाँ नहीं थे। मैं उठा लाया हूँ चोरी। देखे तो सी क्या सामान लेकर आए हैं, कितना का सोना है, क्या वो कुछ है? मुझे तो लगता है हमें तो सोना ही निकलना है हर जगह से, मिट्टी को भी अब हाथ डालेंगे तो वो सोना हो जाएगी। तो मुझे हाथ लगाए ना, मैं भी सोने का होना चाहता हूँ। अल्लाह तुझे जिंदगी दे, और खोटा सोना भी तो होता है ना, जिसमें खोट होती है। कभी तारीफ ना करना बच्चे की। देखो देखो क्या है इसमें, खोलो देख। यार मेरा वहाँ कीमती खजाना नहीं मिल रहा। चाचा जी खजाना जो है वो जमीन में हो तो चलता रहता है। नहीं मेरा सामान था ना उसमें खजाना था। मेखल वो कमरे से चल के, ये तो नहीं है? हाँ ये यहाँ कैसे आया? ये पता नहीं जी, ये जो था ये अबू चांदी। और नहीं चांदी सोना, खोल के देख अबू। खोल ले, खोल 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 खोल, शाबाश, खोलो बच्चे खोलो। आए हुए आए हुए आए हुए आए, सोना। अरे हमें तो चारों तरफ से सोना ही सोना। अल्लाह मियां जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है। देखिए उपले उपले, और तूने तो हुक्का छोड़ दिया था, तो ये चिल्म का सामान भी ले आए हो साथ? नहीं, मैंने सोचा गैस पता नहीं आती है कि नहीं आती है। हमारे यहाँ आती है हांडी पकाने के लिए, ये बड़ी खूबसूरत चीज है। वो सही है, मगर ये यहाँ आती है मगर 10 बजे फौत हो जाती है। लाओ फिर वही। और ये तो आप इस तरह लेकर आए, किसी को गिफ्ट देने आए हैं कोई? देखो जी 6 बंदे की रोटी पक सकती है इससे। अल्लाह तुझे जिंदगी दे, तू सारी जिंदगी रोटी के चक्कर में रहा, लोगों को भी बड़ी रोटी खिलाता है, बड़ी रोटी चीलों को भी रोटी डालता है, बेकारों को भी रोटी देता है, इसका लंगर खाना चलता है, और अल्लाह बड़ा खुश होता है, देने वाले पे अल्लाह बड़ा मेहरबान है। जब तुम देते हो ना किसी को, तो तुम में अल्लाह की देने वाली वो आदत आ जाती है। लेकिन अबू इतनी हिफाजत, तकिया लेके सोए में तो इसको काबू में किया हुआ, इसकी खातिर किया सब कुछ। जैसे 2 नंबर खजाना वैसे 2 नंबर चाचा। वो नहीं, ये मेरा भाई। चाचा चाचा, दिल उस तरफ होता है। दोबारा पैक कर दो, मगर ये है कि मैं माचिस दूंगा तुझे, तू इसकी ट्राई ले, ये इधर आके जलता भी है कि नहीं? कट करो,
कच्चा करो बच्चे, ये बड़ी मुश्किल से मैं ये आम बंदे का काम नहीं है इतनी दूर से उठा के लाना। भाई मैं तेरा बड़ा शुक्रगुजार हूँ, तूने बड़ी मेहरबानी फरमाई, मेरे घर आए हो तो साथ सामान भी लेके आए हो। कीमती खजाना, ओ यार पकड़ अपना खजाना। क्यों? बड़ा बदतमीज है ये। काफी है ये, अभी इसकी बदतमीजी में देखता हूँ निकालता हूँ। जल्दी इकट्ठा करो। इकट्ठा ही कर रहा हूँ मैं। ओ दादू मेरे, अस्सलामुअलैकुम दादू। ये क्या लाए हो? ये मैंने पुलाव बनाई थी अम्मी ने, तो उन्होंने कहा कि दादे को दे आओ। ये तो खाली है। वो ख्याली पुलाव बनाई थी ना। दादू मेरे बिन थे, हंस रहे हो, ये जान निकल रही है आपकी। दादू आपसे एक बात करनी थी। ये जो दादू ये जो वसीयत है इसमें क्या लिखा हुआ है? देखो मेरे बच्चे, मेरे पास तुम्हारे लिए बड़ी बड़ी नसीहत है। नसीहत नहीं, वसीयत। ओ मेरे पास पड़ी है वसीयत। हाँ वो आपके पास पड़ी, क्या कर रही है? 71 साल मैंने संभाली है। 71 साल ठीक है आपने संभाली, उसमें लिखा क्या है? तेरे लिए लिखा है। दादू क्या लिखा? दादू बताए ना। पुत्र उसमें लिखा है क्या कि अगर तो इनके घर में बच्चा पैदा ना हो तो सारी प्रॉपर्टी जो है ट्रस्ट को जाएगी। अल्लाह माफ करे। और अगर हो जाए, हो गई जैसे तुम हो गए, हाँ। तो लिखा है कि उसके ट्रस्ट पे छोड़ दो, यानी तुमको दे दो। और बेसत के जाओ दादू, क्या खबर सुनाइए। जरूरी है कि तुम्हारा निकाह हो, शादी हो, फिर तुम उसके मालिक हो सकते हो। शादी तो नहीं हो रही, जिधर भी रिश्ता आता है वो आगे भाई कह के ना मेरा रिश्ता ही ना इधर उधर हो जाता है। अपनी अम्मा से बोलो ना वो बात करे, खुद बात करोगे तो जलील होगे ना। तो बड़ों को कहा है बड़े तवज्जो नहीं दी। आप मेरे बड़े आप हैं दादू, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। दादू ये इसमें जहेज भी मिलेगा शादी में? देखो जहेज जरूरी है, जहेज कहीं से बनाओ। तो फिर आप बनाए ना, आप बड़े हैं। मेरे पास सोफा पड़ा है इतना बड़ा। कितना बड़ा? ओ मर गया यार लंगर में। ओ तो दादू 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 एक मिनट दादू, या अल्लाह करम कर देना। ये कब से रखा हुआ ये सोफा? दादू दादू बात वसीयत की हो रही थी दादू। दादू अब मैं सुन रहा हूँ। या अल्लाह शुक्र या अल्लाह, ये सुन रहा हूँ। वो नसीहत मैंने संभाल के रखी है। वसीयत वसीयत, हाँ वो मुझको उठाओ ना। अरे तो कहाँ है वो? वो बक्से में पड़ी है। बक्सा कहाँ है? बक्सा चारपाई के नीचे। अच्छा वहाँ छुपाया हुआ है। तो चारपाई कहाँ है? मेरे कमरे में। तो कमरा कहाँ है? बस वो मैं भूल गया हूँ। आओ मैं आपको बताता हूँ। पर मुझे पूरा या अल्लाह करम करना। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, ओ वाह वाह, सारी जिंदगी ऐसे ही गुजारी है आपने। पहले मैं बड़ा जवान था। नजर आ रहा है, नजर आ रहा है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, वाह 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 वाह। पुत्र दूसरा गियर भी लगाऊं ना? अच्छा। ये है जी वो संदूक। बंदूक? हाय 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 मेरा मासूम बच्चा, इसको बंदूक पकड़ाएंगे आप चाचा जी? ओ भाई ये वायरिंग अपनी कान को करो, तेरा कान वायरिंग हो गया ना। अब ये कह रहे थे संदूक। अच्छा तूने कह दिया बंदूक। बस जी जाने का वक्त आ गया। ओए अल्लाह रहम करेगा, अल्लाह रहम करे। ऐसी कौन सी? मैं गांव जा रहा हूँ वापस। अच्छा अच्छा, तो दादा जान बस जल्दी से खोल लीजिए ये संदूक। पुत्र आप मुंह बंद करेंगे तो मैं खोलूंगा ना। बिस्मिल्लाह या अल्लाह करो करो। ओ
ये कल तक पढ़ लेंगे अबू। 71 साल मैंने ये वसीयत संभाली है आपके लिए। अच्छा। बड़े खुश नसीब हैं आप। हाय हाय अबू अमीर, आपकी बड़ी मेहरबानी, बड़ी कि मैं जिंदा हूँ, बड़ी मेहरबानी आपकी, अल्लाह आपको जिंदगी दे। पुत्र ये वसीयत है गांव के चौधरी के नाम तुम्हारे दादा के साथ। हाय दादा, तुम्हारे ने अपनी जिंदगी में ये वसीयत लिखाई थी कि चौधरी क्योंकि भट्टे का मालिक था। अच्छा। और तुम्हारे बुजुर्ग की शादी थी और उसमें जितनी रकम दरकार थी उसमें से 500 रुपए काटते। अच्छा। तो वो चौधरी से उधार लिए थे। तो उसके बदले में लिखा है कि अगर मैं 500 वापस ना कर सकूं कि उसकी बेगम बानो, उसकी बेगम और उसका पुत्र 5 साल तक पट्टे पे काम करने के पाबंद होंगे। लो अच्छी वसीयत है। बानो पट्टे पे ईंटें बनाएगी और नादर पुत्र मजदूरी के साथ साथ चौधरी के जाती काम, मतलब बर्तन धोना, चौधरी की मालिश करना, घर का खाना बनाना, ये भी उसमें इंक्लूड है। वाह वाह, यानी कि 71 साल पहले कर्जा उन्होंने लिया और भुगतेंगे हम। मुबारक हो, जॉब मिल गई है। आज के इस महंगाई के दौर में जॉब मिलना कोई आसान है पुत्र? बड़ी बड़ी गल, बड़ी थैंक गॉड है मेरा कोई हिस्सा नहीं है इसमें। बाबू को बुलाओ। मैं बैठा हूँ इधर चाचे। हो बाबू पुत्र। हाँ जी। आपके बारे में लिखा है कि रिटायर होने के बाद अब आएगी पैसे की बात, आप उस भट्टे पे मुंशी का काम करेंगे, ईंटें गिन गिन के थदे लगाएंगे और नादर और चौधरी के साथ जो वादा किया था उसका पूरा करने का टाइम आ गया। अबू 500 रुपए इनके मुंह पे मारो। पुत्र 500 उधार लिया था, अब 71 साल हो गए हैं तो बढ़ बढ़ के वो 77 लाख हो गया है। 77 लाख। खाला आप ईंटें कैसे बनाएंगी? मैं कैसे बनाऊंगी? ईंट नहीं बना सकती ये मेरे घरों। ईंट नहीं बना सकती ना, तो खाली वो थोबे लगा लगा के रखती रहना, तो इसका क्या नाम है बच्चे? रूही 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 रूही। किसनी बच्ची है? नफीसुद्दीन। नफीसु। यस। बस ये साथ बैठेगी ना, ये थोबे लगाएगी और वो सांचे में डाल के ईंटे बनाती रहेगी। दादाजी मैं क्यों? हाँ जी मैं क्यों? बच्चे आप इनकी औलाद में से हैं ना। मैं तो गेस्ट हूँ खाला, मैं नहीं करूँगी ये। रेस्ट किया कुछ दिन जी, बस आराम पूरा हो गया। अबू 500 रुपया दे, जान चुड़ाए उस बेटा। 500 नहीं हो कदा, 77 हो गया। 77 आ जाइए, 77 आ। लेकिन कोई इनसे मोहलत तो ले ले, 77 लाख अभी हमें। अरुण की आवाज आई है? आई चौधरी, चौधरी की गाड़ी है। आ गया, उठो पुत्र। बात तो सुने चाचियो, बात ये है कि जरा थोड़ी सी मेरा मतलब है हमें मोहलत दे देते ना, ताकि हम कट कर लेते, क्योंकि मेरे बाप की रूह जो है आपको तो मिलती है। मिलती है जी। और वो रूह को भी पता चल गया होगा कि हम देने को तैयार हैं। हाँ। नहीं मुझे पता है आप देंगे, ईमानदार लोग हैं, लेकिन गारंटी के तौर पे ये जो पुत्र है ना नादर, ये मुझे उसके हवाले करना है। नहीं नहीं, नहीं मैं अपना बच्चा कहीं नहीं जाने दूंगी। वो देखो दादे की रूह कितनी खुश हो रही है। कहाँ? भाई आज वसीयत पूरी होने लगी। वो देखें मुस्कुराहट। चलो मेरे साथ। क्या मतलब? मुंशी के हवाले। मैंने नहीं जाना। मेरे साथ जाना है कि दादे की रूह के साथ जाना? ऊपर यानी कि फौत हो गए दादे? नहीं नहीं। चलो उठो मेरा पुत्र। पुत्र मैं मोहलत ले दूंगा, मैं कह जो रहा हूँ। उठो मेरे साथ। नादर नहीं जाएगा? गया वा वापस आया, मैं नहीं जाऊंगा। पुत्र चौधरी के मुंह पे एक दफा बात हो जाएगी, मैं जमानत उठा लूंगा। मैंने कौन सा दुनिया में रहना है? नहीं अल्लाह आपको जिंदगी दे। उठो मेरा पुत्र। छोड़ो मुझे, मैंने नहीं जाना। हैं? छोड़ो मुझे। तुम्हें पुत्र किसी ने पकड़ा ही नहीं हुआ? सुलझा टूटा आवे का आवे का।
अफरा तफरी मची हुई है, सबको अपनी पड़ी हुई है। अफरा तफरी मची हुई है, सबको अपनी पड़ी हुई है।